हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ यहाँ की मंडी में, जो यहाँ की लोकल मार्केट होती है ना, जो मेरे घर के पास है। मैं लास्ट के कुछ व्लॉग्स में मैं गई हूँ, बट किसी और लोकेशन की मार्केट्स में गई हूँ, पर दे आर लाइक प्रॉपर मार्केट। यहाँ मैंने सुना है इट्स लाइक अ फार्मर्स मार्केट। तो लेट्स सी हाउ इट इज़। एंड मुझे क्योंकि कुछ वीकली वेजिटेबल्स एंड सब्जियाँ लेनी है, एंड मुझे कुछ सब्जियाँ और फ्रूट्स लेने हैं, सो मैंने सोचा कि चलते हैं। एंड इंडिया की मंडी तो हमने देखी है, एंड मैं छोटे होते अपने पेरेंट्स के साथ गई हूँ। मेरे डैडी हमेशा जाते थे, एंड बट एक दो बार गई हूँ, बट बिकॉज इट्स लाइक टू मच क्योस। तो आइए यहाँ की मार्केट देखते हैं कैसी है। यहाँ पे ये वाले साइकिल्स बहुत चलते हैं, पता नहीं कैसे चलाते हैं। मेरे को जब मैं पोलैंड में थी, वहाँ पे बहुत ऐसे साइकिल्स होते थे। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं लूँ, मेरे को बड़ा डर लगता था। पर बच्चों को देखो तो ऐसे चलाए फिरते हैं। एंड अब देखो आज मौसम बहुत सुंदर हो रहा है, लाइक बहुत सुंदर। मैं आराम से मस्त आज लंच भी मैंने धूप में बैठ के करा, एंड इट वॉज वेरी नाइस। काफ़ी दिनों के बाद अच्छा सूरज निकला है जो टिका है, और प्लस हवा नहीं चल रही, इज द बेस्ट पार्ट। सो मैं फिर अभी निकली हूँ, मैंने कहा चलो मैं भी निकलती हूँ कहीं पे। तो ये यहाँ पे ना मिडल ऑफ द रोड में इतना सुंदर एक ये बिल्डिंग थी, तो मैंने क्विकली से वो भी कैप्चर कर ली, बहुत सुंदर लग रही थी यहाँ पे। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आज मौसम बहुत अच्छा था, और मतलब सारे रेस्टोरेंट्स ने बाहर सिटिंग भी अपनी अभी लगा दी थी। अभी दो तीन दिन से बारिश हो रही थी, आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली थी जो थोड़ी अच्छी वाली थी, बैठने वाली है ना, तो लोगों ने लगा दिया था चेयर्स वगैरह। तो पूरी ये स्ट्रीट पूरी मतलब रेस्टोरेंट्स थे पीछे वाली में। आई थिंक आगे मैं एक क्लिप लगाऊँगी, वहाँ पर भी आप देखोगे। तो यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा लगता है बाहर बैठ के खाना पीना, तो मतलब एक अलग ही वाइब थी आज, तो बहुत 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 सुंदर था। तो मैं इसको ना प्रेस करके देख रही थी, बिकॉज ये ना बहुत ज़्यादा ही पके हुए थे, बहुत सस्ते थे, नो डाउट। आई थिंक ये 2 यूरोज में 5 एवोकाडो दे रहा था, बट अरे भैया इतने ज़्यादा पके हुए हैं, 5 थोड़े ना खा जाऊंगी मैं। और ये इतने पके हुए थे कि ये आज ले जाके मैक्सिमम कल तक मुझे सारे खाने पड़ते, तो मैं तो छोड़ के आई हुई।
तो फाइनली मुझे ड्राई फ्रूट की शॉप मिल गई. मुझे बादाम और अखरोट लेने थे और मुझे सेसमे सीड्स भी लेने थे, तो यहाँ पे फाइनली सब कुछ था तो मैंने उठा लिया. मैंने पम्पकिन सीड्स भी उठा लिया, वो भी मिल गए मुझे. तो बस ये मैं जल्दी जल्दी से यहाँ से ले रही हूँ. तो बैग मेरे पास दो हो गए हैं, एक पीछे टांगा हुआ है, एक ये हाथ में जो आपको दिखाया मैंने अभी भी टांगा. मेरी ये गर्दन पूरी बस ऐसे है कि बुरी हालत है. मैं एक्चुअली गई थी तो मुझे लगा कि पता नहीं वहाँ पे कुछ होगा नहीं होगा, बट टू माई सरप्राइज, बाल कैसे हो रहे हैं, टू माई सरप्राइज वहाँ पे काफ़ी कुछ था और बहुत सस्ता था. मतलब मैंने देखा कि एवोकाडो जो यहाँ पे एक मिलता है 2-2.5 रुपए का सुपर स्टोर में, और वो वहाँ पे मिल रहा है 2 यूरोज में 5 एवोकाडोस. लाइक सी कितना डिफरेंस है. 1 किलो अंगूर मुझे 1 यूरो में मिले, 1 किलो अंगूर, कैन यू इमेजिन. तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो मैंने जितना मेरे से ले पाई मैंने ले लिए बस. बट काफ़ी वॉक था जहाँ पे जाना था, एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे नहीं था. मतलब जैसे होता ना कि एक बार उससे उतरो, क्योंकि बालों को क्या हो रहा है. तो मैंने दिखाना था कि यहाँ पे पाइन एप्पल कटा कटाया बड़ा, मतलब इजी कर देते यहाँ पे सब. बिल्कुल ये ऐसे ना जैसे मैं कुछ स्मूदी वगैरह बनाती हूँ उसमें डालती हूँ. बट तो इंडिया में ना आलस की वजह से हम नहीं खाते थे पाइन एप्पल और अनार, इसको भी इतनी मेहनत लगती है ना. तो यहाँ पे ये इजी है, यहाँ पे सब कटा कटाया छिला छिलाया धोया धाया मिला, तुम लो और खाओ बस. तो मतलब बेस्ट है. तो ये मुझे मिला तो मैंने उठा के लेके आ गई. और बस ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी काफ़ी सस्ते थे जहाँ से मैंने ले रही थी. तो सारा अदरक है ये 1 यूरो का मिला है मुझे, जबकि मैं लेके आती हूँ आप मानोगे नहीं, 3-3 का ना ऐसे सेट बने होते हैं जो मैं लेके आती हूँ, ये ऐसे 3. तो ये कम से कम 2.5 रुपए का मिलता है नॉर्मली. बहुत सस्ता था यार आज सामान, तो मैंने कहा यार उठा लो बस. बस ये सब ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये सेसमे सीड्स हैं, ये डेट्स हैं. डेट्स बड़ी अच्छी लग रही है, खा के देखते हो. मेरे पास ड्राई वाली तो हैं, ये पम्पकिन सीड्स है, व्हाट इज इट, अच्छा ब्लूबेरी. ओके हाँ ये 2 आम, यहाँ पे आम भी काफ़ी आने लगे यहाँ पर, कच्चा है पूरा वो. ये ना यहाँ पे ना एक तो टच नहीं करने देते. ये बीन्स लेके आई हूँ मैं 2 पैकेट. हाँ तो मैं कह रही थी यहाँ पे ना टच नहीं करने देते सामान को, कहते कि हमें बताओ कि हम आपको देते हैं. मैं बोला यार देख के हाथ लगा के देगा सामान, हमें तो आदत है ना. बट या दैट्स हाउ इट इज. तो ये लेके आई हूँ, और भी एक बैग है अभी खाली खाना था. मुझे नहीं पता और कहाँ कहाँ पे मिलता है ये, बट मेरे को ये अभी रिसेंटली पता लगा कि ऐसा वाला कुछ आता है, सो मैंने ये लिया. तो ये क्या है, ऐसे नॉर्मल ऐसे बाउल है प्लास्टिक का. अभी जैसे कोई भी फ्रूट या सब्जी या फिर कुछ भी तुमने वॉश कर लिया तो इसमें डाले, तो जैसे पानी पानी से नहीं रह जाता जब गीला होता है, तो जैसे ये मैंने अभी वॉश करे है ना. तो इसमें क्या है, ऐसे ढक्कन लगाते हैं ऐसे, और इसका ये जो ना इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे. सो इससे पानी निकल जाता है उसका और वो सूख जाता है. लाइक आई डोंट नो कितने ड्राई होते हैं, दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम डूइंग विद दिस. मैं तो मैंने भी देखा था ये, लेट्स सी, आई डोंट नो, आई थिंक कितना ही करना चाहिए, कितना ज़्यादा करना चाहिए. हाँ मतलब वो पानी से छटक देते हैं ना, हाँ उसके नीचे पानी निकल गया. हाँ जी तो ये था आज का व्लॉग. आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और ये क्लिप मैं जो लगा रही हूँ ना ये आज लंच की है, क्योंकि मैंने अपने रूम के बाहर बालकनी में बैठ के आज लंच करा था धूप में फॉर द फर्स्ट टाइम. बहुत अच्छा था, सो मैंने सोचा मैं वो भी क्लिप अटैच कर देती हूँ. सो आई होप यू एंजॉय इट. बाय बाय.